आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन समाप्त होने के बाद आईपीएल के सभी फैंस को आईपीएल 2022 के सीजन का बेसब्री से इंतजार है। और आईपीएल 2022 के सीजन में हमें मुंबई इंडियंस की टीम और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में काफी कार्टी की टक्कर होते हुए नजर आने वाली है। तो मैं आपको इस वीडियो में इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपेरिजन करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी टीम हमें किस पर भारी पड़ते हुए आईपीएल 2022 के सीजन में नजर आने वाली है। तो ओवरऑल ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आप भी आईपीएल के बड़े फैन तो हमारे इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप और खासकर आईपीएल से जुड़े हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं दोनों ही आईपीएल टीमों के टॉप ऑर्डर के बारे में। तो एमआई की टीम के अगर टॉप ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो हमें एमआई की टीम की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि टीम इंडिया के लिए भी अभी दोनों ही खिलाड़ी ओपनिंग कर रहे हैं। तो काफी मजबूत हमें ओपनिंग पेयर मुंबई इंडियंस की टीम का नजर आ रहा है। और एमआई की टीम की ओर से तीन नंबर पर हमें सूर्य कुमार यादव खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें टॉप ऑर्डर नजर आने वाला है मुंबई इंडियंस की टीम का। और अगर सीएसके की टीम से कंपेरिजन करें तो सीएसके की टीम और हमें ओपनिंग करते हुए डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ नजर आने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छा प्रदर्शन सीएसके की टीम के लिए कर रहे हैं पिछले दो साल से। तो हमें ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे दोनों बल्लेबाज हमें ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। और नंबर तीन पर हमें मोइन अली नजर आने वाले हैं, जो कि मोइन अली भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी दोनों टीमों के कंपेरिजन का अगर बात की जाए टॉप ऑर्डर की, मुंबई इंडियंस की टीम का टॉप ऑर्डर काफी आगे निकल जाता है सीएसके की टीम के मुकाबले, क्योंकि इस टीम में काफी दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है। इस टीम के पास में ओपनर भी काफी खतरनाक है और सीएसके की टीम के पास में भी अच्छे ओपनर है। लेकिन डेविन कॉनवे अभी आईपीएल में डेब्यू करने वाले हैं, तो डेविन कॉनवे के ऊपर काफी प्रेशर रहने वाला है आईपीएल का। और वहीं अगर दोनों ही आईपीएल टीमों के मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की बात की जाए तो हमें नंबर चार पर एमआई की टीम की ओर से बेबी एबी नजर आने वाले हैं, जो कि ये भी आईपीएल में डेब्यू करेंगे। और नंबर पांच पर हमें नजर आने वाले हैं कैरन पोलार्ड। और नंबर छह की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है टिम डेविड। टिम डेविड भी आईपीएल में डेब्यू करने वाले हैं एमआई की टीम की ओर से। तो मुंबई इंडियंस की टीम के हमें मिडिल ऑर्डर में ये बल्लेबाज नजर आने वाले हैं। और अगर सीएसके की टीम के मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की बात की जाए तो हमें नंबर चार पर सीएसके की टीम की ओर से रॉबिन उत्तप्पा खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और नंबर पांच की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी हमें नंबर पांच पर नजर आने वाले। और नंबर छह की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है अंबाती रायडू। अंबाती रायडू को इस टीम ने वापस से इस मेगा ऑक्शन में खरीदा है। अगर दोनों ही टीमों के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो दोनों ही टीमों का सेम हमें मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है और इक्वल पॉइंट दोनों ही टीमों को मिलते हैं मिडिल ऑर्डर के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म रेड अन्ना के बारे में, जहां पर आप क्रिकेट फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ों रुपए जीत सकते हो। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और यहाँ आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक से आप इनको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट जरूर करें। और अगर ये दोनों ही टीमों के लोअर ऑर्डर और बॉलर्स की बात की जाए तो हमें नंबर सात पर एमआई की टीम की ओर से संजय यादव नजर आने वाले हैं। और नंबर आठ पर हमें डेनियल सैम नजर आने वाले हैं मुंबई इंडियंस की टीम में। और नंबर नौ पर हमें जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और नंबर दस की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है मयंक मार्कंडे। मयंक मार्कंडे भी हमें वापस से एमआई की टीम में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और अगर 11वें और आखिरी खिलाड़ी की बात की जाए मुंबई इंडियंस की टीम के, तो उस खिलाड़ी का नाम है जयदेव उनादकट। तो हमें ये खिलाड़ी नजर आने वाले मुंबई इंडियंस की टीम के लोअर ऑर्डर में और गेंदबाजों के रूप में। और अगर मुंबई इंडियंस की टीम के गेंदबाजों का और लोअर ऑर्डर का अगर सीएसके की टीम के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो हमें नंबर सात पर रविंद्र जडेजा नजर आने वाले हैं सीएसके की टीम में। और नंबर आठ की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है डीजे ब्रावो। और नंबर नौ की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है दीपक चहर। और नंबर दस खिलाड़ी की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है एडम मिलने। और अगर नंबर 11 की बात की जाए तो उस खिलाड़ी का नाम है केएम आसिफ। तो ये खिलाड़ी हमें सीएसके की टीम के लोअर ऑर्डर और गेंदबाजों के रूप में सीएसके की टीम में नजर आने वाली है। तो यहाँ पर भी हमें मुंबई इंडियंस की टीम आगे निकलती हुए नजर आने वाली है, क्योंकि इस टीम के पास में जसप्रीत बुमराह और डेनियल सैम जैसे खिलाड़ी मौजूद है और सीएसके की टीम के पास में दीपक चहर के अलावा कोई गेंदबाज मौजूद नहीं है, जो कि एक विकेट टेकर गेंदबाज है दीपक चहर। तो यहाँ पर हमें मुंबई इंडियंस की टीम भी गेंदबाजों और लोअर ऑर्डर को लेकर काफी आगे निकलती हुई एमआई की टीम नजर आने वाली है। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों आईपीएल टीमों में से कौन सी आईपीएल टीम आईपीएल 2022 के सीजन में किस पर भारी पड़ने वाली है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।